script immediately. I thought it was a very original and beautiful script. You know, very rarely do we see a mainstream story about disability, and it is a mainstream story. It's full of laughter and as well as drama. And I think I always loved it. It was just, I was terrified at the beginning that I would be able to do, would I be able to do this? That was my question. What will you be part of the movie? Actually the same. I was blown by the script and the concept, and it's a very sensitive film. It's also a very fun film, and it's a very difficult balance to make, and I think the film manages to. And Chinali, the director, is absolutely fantastic, and she's managed to make it. And I was again very, I was not sure if I can pull off the part, because it does, I have a disability. I play the character of a blind person, and but I think the film's turned out really well. Everyone's loving the film, and the rest is for you guys to watch it. Sanki, it's not an easy role to play. What kind of research do you do to play a role? I was introduced to Malini Chip, who's my the cousin of my director, Malini Chip, and she has cerebral palsy, so I worked very closely with her. I got to live with her, follow her around, and then I worked with her physiotherapist, speech therapist. I also did a workshop with Adil Hussein, the actor, working on the physicality and the psychology. And I spent a lot of time in the wheelchair. The essence of my practice was that, spending 1 hour a day for 6 months on the wheelchair. You know, Amir and Kiran are putting the movie in a big way. So is this a big boost for the film? Yeah, I think it's wonderful that they're promoting the film, and they're here because they love the film, and it's helped us in a big way. Yeah. मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ. मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी है इसके बारे में, और मैं नॉर्मली ट्रायल पे नहीं जाती हूँ, आप मुझे कभी नहीं देखेंगे, बट आई हैव टू कम फॉर दिस. सोनाली इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. आई थिंक वी शुड एनकरेज मूवीज लाइक दिस. शी इज़ अ को वुमन डायरेक्टर, सो आई एम हियर टू शो माई सपोर्ट फॉर द फिल्म. ये पता नहीं एक्सपेरिमेंटल है, ये मे बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर ऑल यू नो. अभी तक मैंने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन हर टाइप की फिल्म आनी चाहिए, एंड ऑल टाइप्स ऑफ फिल्म शुड डू वेल, क्योंकि अभी हमारा मामला डावाडोल है बॉलीवुड में. वाई नॉट, अगर मुझे अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी ऐसी, और मुझे लगेगा कि ये बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मैं इस पर बना सकती हूँ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी. लेकिन क्योंकि क्रिटिक्स चाहते हैं कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं, वो प्रेशर से कभी मैं नहीं बनाऊंगी. इफ़ आई लव द स्क्रिप्ट आई श्योरली मेक इट. हाँ मैं जाके भी आ गई ना. हाँ तूने चला. अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर टू अभिषेक बच्चन जी लिख रहे हैं. वो उन्होंने कहा है, अब उसका जिम्मा उन्होंने लिया है, वो लिखेंगे पार्ट टू, और मुझे स्क्रिप्ट पसंद आएगी तो हम बनाएंगे हैप्पी न्यू ईयर पार्ट टू. नहीं नहीं मैं डायरेक्ट करूँगी. ठीक है, थैंक यू. या फ्री में दिखाना पिक्चर है तो बहुत अच्छी बात है. पहले तो ये क्योंकि कल की जब ये फिल्म शूट कर रही थी तो बहुत मैं और मेरी बीवी के साथ डिस्कस करती थी, वो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत काम किया उसने, बहुत तैयारी की उसने. तो प्रोसेस में हम लोग हमने देखा है कि कितना उसने परिश्रम किया. तो आई थिंक मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड था इस फिल्म को लेकर, लेकिन बहुत लोगों ने जिन्होंने इस फिल्म को पहले एक रफ कट वगैरह देखा था, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा काम किया है कल्कि ने, बहुत बढ़िया फिल्म है. तो राधिका, आपने बदलापुर में कहा रोल प्ले किया, एंटरटेनिंग रोल प्ले किया, इस तरह से आपको फ्यूचर में अगर ऑफर आएगा तो कर सकती है आप? क्या फिल्म है, अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा तो, अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होगा तो ऑफ कोर्स आई विल बी विलिंग टू डू इट. और एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म, बिकॉज आई थिंक अ सब्जेक्ट लाइक दिस हैज नॉट बीन अटेम्प्टेड मेनी टाइम्स बिफोर इन फिल्म्स, एंड एटलीस्ट आई हैवंट सीन मेनी. Kalki and Shalini both are one very dear friends, but secondly extraordinary actresses. And I've heard so much about their performance that they're so good. So I cannot actually wait to watch it. I haven't seen it. आपसे पूछा हुआ ये एक पॉजिटिव माइंडसेट हो रहा है व्यूअर्स का, अलग अलग सब्जेक्ट्स को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हंटर हो या ये फिल्म हो, वो सेम मसाला फिल्म देखने से अब तक है. आप क्या कमेंट देंगे इस बारे में? हर किसी का
टेस्ट अलग होता है ना, तो ये तो बेहतरीन बात है कि हर अलग अलग किस्म की फिल्में बन रही है और हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए एक टेस्ट भी दिखा रही है, तो हम जो सबके लिए बहुत अच्छी बात है। आपका टेस्ट क्या है? हंटर मार्गरिटा। फिलहाल तो मार्गरिटा विद द स्ट्रॉ। जी मुझे भी बता रहे हैं हम बना रहे हैं तो खुशी तो बहुत है और ये साल भी बहुत अच्छा रहा है जो NH10 है, दम लगा के हैशा बदलापुर, हंटर, मार्गरिटा, कोर्ट, आई मीन एवरी टू वीक्स इज समथिंग अमेजिंग टू वॉच, सो इट्स बीन ग्रेट, इट्स गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। आप बोलो, आप करोगे सन ऑफ हंटर? ये कुछ कास्टिंग कर रहे हैं सन ऑफ हंटर, छोटा सा बच्चा। थैंक यू, थैंक यू।